हाय एवरीवन, खुद का एक वेबसाइट बनाना बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि हम जिसके मदद से हम खुद का वेबसाइट बना सकते हैं। या तो आप डेवलपर को हायर कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी CMS का, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का यूज कर सकते हैं वेबसाइट डेवलप करने के लिए। पर आज के इस वीडियो में मैं एक AI टूल के बारे में बताने वाला हूँ जिसके मदद से आप खुद का वेबसाइट बना सकते हैं। जी हाँ, एक AI की मदद से आपको अपना वेबसाइट का रिक्वायरमेंट इनपुट डालना है और वो वेबसाइट जनरेट करके देगा। इस AI टूल का नाम है fronts.ai। सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है fronts.ai पे, और इसके बाद क्रिएट अ वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये एडिटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि आप अपने कंपनी का नाम डालिए। तो कंपनी का नाम मान लीजिए मैं डाल देता हूँ चैलेंजर झा। डालने के बाद मैंने नेक्स्ट किया। अब ये बोल रहा है कि ये पेज किसके लिए है, मेल, फीमेल या कंपनी के लिए, तो मैं कंपनी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये पूछ रहा है कि क्या सर्विस आप देने वाले हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं SEO डाल देता हूँ कि मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड, ये शॉर्ट हो जा रहा है, मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन डाल दे रहा हूँ। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड मैं सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला हूँ, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आप अपना एड्रेस डालिए, क्या एड्रेस है आपका। मैं इंडिया डाल देता हूँ कि हाँ, मैं मेरा जो मीटिंग एड्रेस है, यानी कि जो मेरा साइट का एड्रेस है, वो इंडिया है। प्रोफाइल फ़ोटो आपको अपलोड करने बोला, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे बोल रहा है कि कोई फेवरेट थीम आप सेलेक्ट कर लीजिए कि कौन सा थीम आपको पसंद आ रहा है। तो यहाँ पे मल्टीपल थीम्स अवेलेबल है। एक बेसिक सा वेबसाइट ये आपको बना के दे देगा। फॉर एग्जांपल मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है। फॉन्ट सेलेक्ट करने बोल रहा है, मैं रोबोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे नेक्स्ट कर दूंगा। यहाँ पे वेबसाइट का लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट करना है, इंग्लिश। कॉन्टैक्ट ईमेल यहाँ पे प्रोवाइड करने बोल रहा है, मैं कॉन्टैक्ट ईमेल प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, challenger.jha@। मैंने यहाँ पे अपना ईमेल प्रोवाइड कर दिया है। अब इसको आई एम नॉट अ रोबोट को वेरीफाई करना है एंड इट्स डन। अब यहाँ पे क्रिएट अ वेबसाइट पे क्लिक करना है। अब ये आपका एक सिंपल सा AI के थ्रू वेबसाइट जनरेट कर रहा है। जो भी इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करी है उसके थ्रू उसको वो एनालाइज करेगा और एक पर्सनलाइज्ड वेबसाइट आपको प्रोवाइड करेगा, जो लेआउट हमने चुना है उसके बेसिस पे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी हमारी वेबसाइट जनरेट हो रही है, इंफॉर्मेशन जो था वो गैदर हो चुका है, डेटा एनालाइज हो चुका है, एक पर्सनलाइज्ड वेबसाइट क्रिएट हो चुका है, लेआउट भी डिजाइन हो चुका है, और कंटेंट जो ऐड करना है AI के द्वारा जनरेटेड कंटेंट है वो ऐड भी हो चुका है, फाइनल टचेस भी हो गया, वेबसाइट ऑलमोस्ट रेडी पे भी टिक हो चुके हैं। जस्ट अ मोर मूवमेंट और ये वेबसाइट हमारा रेडी हो जाएगा। इसके बाद हम बता दें कि इसमें हमें कस्टमाइज़ का भी ऑप्शन मिलता है कि हम अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा, पहले ये कंप्लीट हो जाए। ये हमारा वेबसाइट यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अगर सी और वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा वेबसाइट है इसका ये शो कर रहा है कि वेबसाइट कैसा है, और यहाँ पे साथ में ही ऑप्शन है कि हम एडिट कर सकते हैं अपने वेबसाइट को। जैसे ही आप एडिट योर वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो हमारे ईमेल आईडी पे एक साइन इन लिंक भेजा जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके हम अपने वेबसाइट में रिक्वायर्ड चेंजेस कर सकते हैं। ये हमारा वेबसाइट हो रहा है। अभी तक हमने लोगो ऐड नहीं किया था इसीलिए ये ऐसा शो कर रहा है। एक AI के द्वारा सिंपल पर्सनलाइज वेबसाइट बनाना अच्छा है। ये देखिए SEO से रिलेटेड मैंने डाला था, तो ये हमारा ऑनलाइन प्रेजेंस SEO डिजिटल मार्केटिंग डाल रहा है। ईमेल और लोकेशन डाला, लोगो हमने डाला नहीं था इसलिए लोगो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। गेट स्टार्टेड नाउ पे, नाउ का भी बटन है यहाँ पे, आप देख सकते हैं गेट स्टार्टेड नाउ का भी बटन शो कर रहा है। यहाँ पे जितने भी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं वो है, एक कंसल्टेशन 30 मिनट का बुक करने के लिए यहाँ पे बुक नाउ का बटन भी यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। इसके थ्रू क्या है कि आप जो है बुक कर सकते हैं इसकी। एक AI के थ्रू ये वेबसाइट, अगर फ्री में वेबसाइट जनरेट करना है AI के थ्रू, इसका डिज़ाइन एडवांस नहीं है, ज़्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं है, पर एक बेसिक सा वेबसाइट के लिए ये बेहतर है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।